खाद्य ग्राम बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने इस मौके पर खाद्य ग्राम बोर्ड की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गुलेरिया ने बताया कि खाद्य बोर्ड दिए गए अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, जिसके माध्यम से न केवल प्रदेशवासियों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, बल्कि वह नौकरी करने वाले नहीं बल्कि देने वाले साबित हो रहे हैं। प्रदेश से बेरोजगारी को कम करने में भी खाद्य बोर्ड अहम भूमिका निभा रहा है। जो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, वह खाद्य बोर्ड पूरा कर रहा है। खाद्य ग्राम बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि देश कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते व्यापार भी काफी प्रभावित हुआ है। इस विषम परिस्थिति में भी खाद्य बोर्ड ने 105% लक्ष्य हासिल किया है। खाद्य बोर्ड को 364 नए यूनिट लगाने का लक्ष्य सरकार द्वारा दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा 373 यूनिट स्थापित कर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि स्थापित यूनिटों को करीबन 11 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा 11 करोड़ 43 लाख रुपए की सब्सिडियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तब से खादी एक नए विकल्प के रूप में दुनिया में उभर कर आई है। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड हिमाचल प्रदेश में जो पिछला साल कोरोना महामारी के बीच में बहुत ही विकट परिस्थितियों में गुजरा है, उसके बावजूद भी खादी बोर्ड ने 105% अपने लक्ष्य को अचीव किया है, जिसमें जैसे हमने 364 यूनिट नए स्थापित करने का लक्ष्य लिया था, इसके अगेंस्ट हमने 373 यूनिट लगाए हैं, 103% ये अचीव किया है। और सब्सिडी का पार्ट जहाँ तक संबंध था, 10,93,19,000 हमने लक्ष्य लिया था, इसके अगेंस्ट 11,43,67,000 हमने लक्ष्य अचीव किया है, 105%। और ये सारा संभव हो पाया है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की उदारवादी नीति के कारण और आदरणीय इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री विक्रम ठाकुर जी के सहयोग के कारण ये सब संभव हो पाया है। और जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खादी की ब्रांडिंग पूरी दुनिया भर में कर रहे हैं, खादी बोर्ड को बहुत बूस्टअप मिला है उससे। और मैं कह सकता हूँ मोदी जी ने जो एक नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल, उसका प्रभाव आम जन में पड़ रहा है। खादी के माध्यम से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, लोगों की डिमांड बढ़ी है। और मैं कह सकता हूँ आगे आने वाला जो समय है वो खादी का है, और खादी बोर्ड उस लक्ष्य को अचीव करेगा। जो आगे भी इस साल का भी लक्ष्य हमें मिलेगा, उसको भी हम अच्छे से अचीव करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।